हेलो दोस्तों आप सभी का सॉल्यूशन मैथ में स्वागत है आज हम त्रिकोमित फार्मूले को बनाना सीखेंगे दोस्तों आप सभी तो त्रिकोमित फार्मूले को किसी तरह याद करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद आप इस फार्मूले को भूल जाते हैं लेकिन आज इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जिसके बाद आप इस फार्मूले को कभी नहीं भूलेंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बस आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि आपका ये फर्स्ट फर्स्ट चतुर्थांश है ये सेकेंड चतुर्थांश है ये थर्ड चतुर्थांश है ये फोर्थ चतुर्थांश है दोस्तों फर्स्ट चतुर्थांश में आपको याद रखना है कि एक मतलब यहाँ पे अर्थ है कि आल आल का मतलब होता है साइन कॉस टैन काट और जितने भी त्रिकोमिति अनुपात होते हैं उसका फर्स्ट चतुर्था फर्स्ट चतुर्थांश में सभी का मान प्लस होता है जबकि जो सेकंड चतुर्थांश होता है उसमें साइन और साइन का जो अपोजिट होता है उनका मान प्लस होता है थर्ड चतुर्थांश जो होता है उसमें टैन और टैन का अपोजिट इसके मान प्लस होते हैं फोर्थ चतुर्थांश में आपको याद बस रखना है कि कास और काश का अपोजिट सेक इनका मान प्लस होता है इसी को हम एस टी सी के नाम से भी जानते हैं इसको भी इस तरह भी याद रख सकते हैं ए मतलब आल यस yes मतलब साइन और टी मतलब टेन और सी मतलब कॉस इसको ए एस टी सी के नाम से भी जानते हैं चलिए दोस्तों इतना चीज़ आपको बस बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट को और देख लेते हैं आपका बेसिक कंसेप्ट आपका है कि जैसे यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि नब्बे और दो सौ सत्तर पर जब इसको हम चेंज करते हैं तो इसका मान परिवर्तित हो जाता है जैसे साइन काश में और काश का साइन में इतना चीज़ बस पता होना चाहिए कि जब नब्बे और दो सौ सत्तर पर मान को चेंज करते हैं तो साइन का काश और काश का साइन में चेंज होता है और टैन का काट में और काट का टैन में ही चेंज होता है sec का कोशेक में और कोशेक का sec में इतना चीज बस आपको पता होना चाहिए जिसके बाद आप देखिए तुरंत आप मानों को चेंज करना सीख जाएंगे और यहाँ पे आप याद रखिएगा जैसे 180 पे जब चेंज करेंगे और 360 पे चेंज करेंगे तो इनका मान परिवर्तित नो चेंज मतलब होता है कि इसका मान परिवर्तित नहीं होगा जैसे साइन का साइन में cos का cos में टैन का टैन में काट का काट में सेक का सेक में और कोशेक का कोशेक में ही चेंज होता है बस इतना चीज़ आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे आप चतुर्थांश में तो पता होगा कि जब यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो यहाँ पे नब्बे अंश होता है यानी एक से वाई एच पे जब जाते हैं तो नब्बे अंश होता है जब यहाँ पे जीरो मान के यहाँ से यहाँ तक घूमते हैं तो एक सौ अस्सी अंश रोटेट करते हैं और यहीं से जब जीरो से लेके कर यहाँ लगाते हैं यहाँ तक आते हैं सेकेंड थर्ड चतुर्थांश में तो दो हो जाता है यहाँ पे मान और यहीं से फर्स्ट चतुर्थांश घूमते घूमते आते हैं फोर्थ चतुर्थांश में यहाँ पे 360 सौ साठ अंश हो जाता है बस इतना बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए दोस्तों इसके बाद आप देखिएगा कि त्रिकोणमिति अनुपात जो मान होते हैं आपको कितने जल्दी याद हो जाते हैं तो चलिए आपको चेंज करके बताते हैं किस तरह चेंज होता है यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है जिससे आपको लिखने में ज़्यादा समय व्यर्थ ना जाए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका जैसे है कि आपको नब्बे माइनस पे तोड़ना है तो देखिए नब्बे माइनस का मतलब हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब आते हैं तो नब्बे होता है नब्बे माइनस का मतलब हो गया कि प्रथम चतुर्थांश में ही आप इस समय हैं जब नब्बे माइनस करते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं प्लस होते हैं तो यहाँ पे सभी प्लस पहले कर लीजिए देखिएगा दोस्तों आप यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल भी लगाएंगे जिसे देखिएगा आप कितने जल्दी उसका मान आप ज्ञात कर लेते हैं देखिए साइन नब्बे माइनस ठीठा तो देखिए साइन का जब नब्बे तोड़ते हैं तो इसका मान परिवर्तित होता है बताएं आपको तो साइन का किस में होता है कोशेक में बस आप इसका परिवर्तन करके लिख दीजिए कोशेक ठीठा होता है और सॉरी दोस्तों काश ठीठा होता है काश का जब परिवर्तन जब काश नब्बे माइनस ठीठा होता है तो इसका क्या हो जाता है काश का साइन में होता है इसीलिए आपको बेसिक कंसेप्ट बताए हैं इसको ब, बस याद रखिएगा जब नब्बे पे तोड़ते हैं और दो सौ सत्तर पर तोड़ते हैं तभी इसका मान परिवर्तित होता है यानी कि साइन के काश में काश का साइन में टैन का काट काट का टैन और सेक का कोशेक कोशेक का सेक ये तो पहले बता चुके हैं उसको बस आप याद रखिएगा देखिए कितना जल्दी आप कर ले जाते हैं टैन नब्बे माइनस ठीठा क्या होता है काट ठीठा और काट नब्बे माइनस किस में काट किस में चेंज होता है टैन में और सेक किस में चेंज होता है दोस्तों तो सेक होता है कोशेक में और कोशेक किस में चेंज होता है सेक में बस इतना चीज़ याद रखिए देखिए आपका ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया देखिए आप इसको कितना जल्दी याद कर सकते हैं देखिए आप साइन नब्बे माइनस थी इतना कर सकते हैं चलिए आपको नब्बे प्लस पे तोड़ के दिखाते हैं और देखिए कितना सटीक आप बहुत जल्दी इसका एंसोर दे सकते हैं देखिए आपको पहले से लिखा हुआ है इससे आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा समय आपका व्यर्थ ना जाए तो देखिए नब्बे प्लस थीटा का अर्थ हुआ कि नब्बे प्लस थीटा का मतलब हुआ कि ये नब्बे यहाँ तक आए तो नब्बे नब्बे में कुछ जोड़ेंगे यानी एक अंश दो अंश कुछ भी जोड़ेंगे तुरंत सेकंड चतुर्थांश में आ जाएंगे और सेकंड चतुर्थांश में यश का मतलब होता है साइन और साइन का अपोजिट कॉस इसमें दोनों ये प्लस में होते हैं बस इतना चीज़ याद रखना है साइन और कोशेक प्लस में होते हैं इसके अतिरिक्त जितने बचते हैं वो सभी माइनस में होते हैं तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं देखिए यहाँ पे पहले जो साइन है साइन को प्लस कर दीजिए और जो इसका अपोजिट कोशेक है उसको प्लस कर दीजिए इसके अतिरिक्त जो चार बच रहे हैं उसको माइनस लिखिए यहाँ पे माइनस कीजिए यहाँ पे माइनस कीजिए माइनस माइनस और देखिए अभी बताएं नब्बे पर जब तोड़ते हैं तो मान परिवर्तित होता है तो साइन का किस में परिवर्तित होता है कास में और कास का साइन में और टेन का काट में और काट का टेन में सेक का कोशेक में इसको एक दो बार आप देख लीजिए दोस्तों आप इसको कभी नहीं भूलेंगे मेरी हंड्रेड परसेंटेज गारंटी है इसको आप देखते हैं तो कभी इस फार्मूले को नहीं भूलेंगे और आपको इस पे सवाल लगाने में भी, भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये भी फार्मूला आपके बन के तैयार हो गया देखिए कितना सिंपल है आपका ये फार्मूला चलिए आपको एक पे तोड़ के दिखाते हैं तो एक पे देख लेते हैं देखिए एक सौ अस्सी माइनस ठीठा को देखते हैं तो एक सौ अस्सी माइनस ठीठा को एक सौ अस्सी माइनस ठीठा को मतलब हो गया कि यहाँ तक यहाँ से जब यहाँ चलेंगे एक सौ अस्सी हो गया एक सौ अस्सी में से भी कुछ घटाएंगे तो किस चतुर्थांश में जाएंगे द्वितीय चतुर्थांश में द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोशेक क्या होता है प्लस में होता है इसके अतिरिक्त सब माइनस में होते हैं तो यहाँ पर साइन और कोशेक जो मान है उसको प्लस बना दीजिए तो साइन जो होता है इसका मान प्लस हो गया और कोशेक मान इसका प्लस हो गया इसके अतिरिक्त जितने मान है उसको माइनस कर दीजिए देखिए दोस्तों ये वीडियो आपको समाप्त समाप्त होने के लास्ट में आप इसका सभी फार्मूले आपको जबान पे याद हो जाएंगे तो साइन का क्या होता है साइन का देखिए 180 और 360 आपको बताएं कि जब 180 सौ अस्सी यहाँ पर लिखा हो 180 और 360 सौ पर तोड़ते हैं तो इसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता है तो साइन 180 सौ अस्सी माइनस ठीठा को क्या लिख सकते हैं तो साइन का साइन में कॉस का कॉस में ही लिखेंगे इसलिए कि एक और तीन में मान परिवर्तित नहीं होता है तो साइन का साइन ही होगा तो साइन ठीठा लिखिए और कास का कास्ट थीटा लिखिए टेन का टेन थीटा लिखिए काट का काट थीटा ही लिखिए सेक का सेक थीटा लिखिए और कोसेक का कोसेक थीटा लिखिए देखिए कितना बस इसमें बस आपको याद रखनी ये फार्मूला बनके तैयार हो गया आप इस पर कोई भी सवाल लगा के देखिएगा यदि रांग होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये कभी हंड्रेड परसेंटेज एकदम श्योर है कि कभी क्वेश्चन इस पर गलत नहीं हो सकता है और इस पर जो है अब आपको बता देते हैं 180 प्लस 180 प्लस पे क्या होता है देखिए दोस्तों यहाँ पे बस आप याद रखिएगा 180 का मतलब हो गया कि यहाँ तक देखिए यहाँ से जब यहाँ तक चले हैं सिकंड चतुर्थांश में पहुँचे हैं तो यहाँ पे 180 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो किस चतुर्थांश में जाएंगे थर्ड चतुर्थांश और थर्ड चतुर्थांश में आपका टेन प्लस होता है इसका अपोजिट काट प्लस होता है तो इसको प्लस बना दीजिए इसके अतिरिक्त सभी को माइनस बना दीजिए देखो टेन को प्लस बना दिए और काट को प्लस बना दिए इसके अतिरिक्त सभी को माइनस लिख दीजिए यहां पे सभी जो मान है उसको माइनस कर दीजिए और एक सौ अस्सी पर तोड़ रहे हैं तो पता है कि साइन का साइन होगा साइन का साइन कास कास और टेन का टेन और काट का काट कोशेक का शेख और कोशेक का कोशेक देखिए ये फार्मूला बन के तैयार हो गया आपका देखिए कितना सिंपल है साइन एक सौ अस्सी प्लस ठीठा कोई पूछे तुरंत बताएंगे माइनस साइन ठीठा यानी बस आपको याद रखना है कि जब सेकंड थर्ड चतुर्थांश में पहुँचते हैं तो थर्ड चतुर्थांश में टैन और काट का मान माइनस में होता प्लस में होता है इसके अतिरिक्त सभी माइनस में होते हैं बस इसको याद रखिएगा देखिए आप सौ एक सौ अस्सी माइनस और एक सौ अस्सी प्लस में भी बता दिए अब चलिए दो सौ सत्तर वाला देख लेते हैं तो दो सौ सत्तर का देखते हैं आपका दोस्तों तो दो सौ सत्तर वाला भी देख लेते हैं देखिए दो सौ सत्तर यानी दो सौ सत्तर में जब तोड़ेंगे तो क्या होगा यह देखिए यहाँ पे क्या होता है दो सौ सत्तर का पहले मतलब समझ लीजिए यहाँ पे आप जब पहुँचेंगे देखिए यहाँ पे नब्बे नब्बे एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी में नब्बे जोड़ेंगे तो दो सौ सत्तर यहाँ नहीं कि यहाँ पे पहुँच गए और दो सौ सत्तर में से जब कुछ घटाएँगे देखिए यहाँ दो सौ सत्तर में से कुछ माइनस घटेंगे तो किस चतुर्थ पहुँचेंगे थर्ड चतुर्थांश थर्ड चतुर्थांश में टैन और काट प्लस में होते हैं इसके अतिरिक्त सभी माइनस में होते हैं टेन और काट को प्लस बना दीजिए टेन प्लस और काट प्लस इसके अतिरिक्त जितने बचते हैं सभी को माइनस बनाइए आप माइनस बन गया इसके बाद साइन का अभी बताए हैं कि 90 और 270 पे जब तोड़ते हैं तो सभी का मान परिवर्तित हो जाता है यानी कि साइन का कॉस में और काश का साइन में और टैन का काट और काट का टेन ये सब बताए हैं ना आपको बस इसका क्या करना है कि साइन के जगह पे काश लिखना है यानी साइन दो सौ सत्तर माइनस ठीटा के जगह पे साइन दो सौ सत्तर माइनस ठीटा के जगह पे काश थीठा और काश दो सौ सत्तर माइनस ठीठा के जगह पे साइन थीटा और यहाँ पे टैन का काट में होता है और काट का टैन में होता है और सेक का कोशेक में परिवर्तित होता है और कोशेक का सेक में सेक थीटा देखिए दोस्तों कितना सिंपल है बस यहाँ पे चिन्ह का बस ध्यान आपको देना है कि चिन्ह आपका क्या होता है ये साइन दो सौ माइनस कास में हो गया चलिए आपको नेक्स्ट करके बताते हैं देखिए ये कोशेक का शेख हो गया चलिए आप जो दो सौ सत्तर प्लस पे देख लेते हैं कि दो सौ सत्तर प्लस पे क्या होता है दोस्तों इसको बस लास्ट तक देखिएगा आपको पूरा ये वीडियो में पूरा ये फार्मूला याद हो जाएगा देखिए अब दो सौ सत्तर पर है तो दो सौ सत्तर प्लस हो गया देखिए यहाँ पे दो सौ सत्तर दो सौ सत्तर में कुछ भी जोड़ेंगे फोर्थ चतुर्थांश में जाएंगे अब फोर्थ जो चतुर्थांश होता है उसमें काश और जैसे काश का मान प्लस होता है और इसका अपोजिट जो होता है सेक इसका मान प्लस होता है बस इसको याद रखिएगा इसीलिए इसको ए एस टी सी के नाम से भी जानते हैं इस फार्मूले को चलिए दो सौ सत्तर पर देख लेते हैं दो सौ सत्तर पर जब तोड़ेंगे देखिए दो सौ सत्तर में क्या है कि काश और काश का अपोजिट सेक ये प्लस में होते इसके अतिरिक्त सभी माइनस में होते देखिए ये प्लस कर दीजिए और इसका अपोजिट इसको प्लस कीजिए इसके अतिरिक्त सभी को माइनस कर दीजिए देखिए ये माइनस 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 चलिए अब इसको देखते हैं साइन कितना है साइन दो सौ सत्तर प्लस साइन का किस में दो सौ सत्तर पर है तो चेंज करेंगे साइन का काश में हो जाएगा और काश का साइन में होगा टैन का काट में होगा और काट का टैन में होगा सेक का सेक का कोसेक में होगा और कोसेक का सेक थीटा होगा देखिए दोस्तों ये भी फार्मूला आपके बनकर तैयार हो गया कितना सिंपल है चलिए अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं 360 प्लस और 360 माइनस को देख लेते हैं सभी फार्मूले आपको जबान पे याद हो जाएंगे दोस्तों इस पे हम कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे जिससे इस वीडियो के देखने के बाद आप कभी इस फार्मूले को ना भूलें देखिए सॉरी दोस्तों 360 माइनस का मतलब हो गया कि यहाँ पर तीन अब इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो किस में जाएंगे आप इसमें से जब कुछ भी माइनस करेंगे तो आप आ जाएंगे चतुर्थ चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में काश और इसका देखिए काश को प्लस कीजिए और सेक को प्लस कीजिए इसके अतिरिक्त सभी को माइनस कर दीजिए सभी को क्या कर दिए दोस्तों सभी को माइनस कर दिए कास और सेक इसके अतिरिक्त देखिए तीन सौ साठ में बताएं तीन सौ साठ पर में माल परिवर्तित नहीं होता है यानी कि साइन का साइन ही होगा और कास का कास ही होगा टैन का टैन होगा और काट का काट होगा सेक का सेक ही होगा और कोशेक का कोशेक होगा देखिए दोस्तों ये भी आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया यानी साइन तीन सौ साठ पर कोई मान को तोड़ते हैं तो साइन ही में चेंज होगा गया कास का काश में बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि तीन सौ सत्तर तीन सौ साठ में से जब ठीठा कुछ मान घटाते हैं तो चतुर्थ तो चतुर्थांश में होते हैं चतुर्थ तो चतुर्थांश में काश और काश का अपोजिट से प्लस में होता है इसके अतिरिक्त सभी माइनस में होते चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं आपका नेक्स्ट है कि साइन तीन सौ साठ तीन सौ साठ में प्लस कर दीजिए देखिए यहाँ पे तीन सौ साठ यहाँ पर कुछ प्लस करेंगे तो इस प्रथम चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं बस यहाँ पे क्या याद रखना है कि तीन सौ साठ में कुछ जोड़ेंगे तो प्रथम चतुर्था प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस होते हैं तो सभी प्लस कर दीजिए ये भी फार्मूला आपके बनकर तैयार हो गया है दोस्तों देखिए ये प्लस 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 कर दीजिए और प्लस कर दीजिए तीन सौ साठ में चेंज नहीं है तो साइन का साइन ही होगा कास का काश होगा टैन का टैन होगा और काट का काट सेक का सेक और कोशेक का कोशेक थीटा कोशेक थीटा ये फार्मूला सब आपको याद होना मतलब याद हो जाएगा तुरंत याद इस पर एक बार एक आध बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो ये फार्मूला आपको यहीं याद पे याद हो जाएगा चलिए दोस्तों इस पर कुछ आपको एग्ज़ाम्पल करके बता देते हैं जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए जैसे आपको साइन एक सौ पैंतीस अंश का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे जैसे आप खुद तो सिर्फ टेबल टेबल ही याद रहता है और यदि टेबल आपको याद ना हो तो इसका एक वीडियो बना के आप इसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बाक्स में बाक में इसका लिंक दे दिया गया है वहाँ से जाके आप टेबल को याद करने का ट्रिक देख सकते हैं तो साइन एक को पहले क्या कीजिए कि साइन साइन नब्बे पे तोड़ दीजिए नब्बे प्लस पैंतालीस नब्बे में नब्बे में पैंतालीस जोड़ेंगे तो एक सौ पैंतीस हो जाएगा अब देखिए नब्बे में जब कुछ जोड़ रहे हैं तो किस चतुर्थांश में आ रहे हैं ये आ जा रहे हैं आपके द्वितीय चतुर्थांश में और द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है साइन का काश होता है और द्वितीय चतुर्थांश साइन प्लस होता है ये देखिए ये प्लस होता है तो इसका किस में हो जाएगा काश पैंतालीस और काश पैंतालीस का दोस्तों आपको पता होगा काश पैंतालीस का मान कितना होता है एक बटा के कड़ी दो ये याद होना चाहिए चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करके बता देते हैं कि काश एक सौ पैंतीस को तोड़िए तो कितना हो जाएगा काश नब्बे प्लस एक सौ पैंताली अरे पैंतालीस तो नब्बे प्लस पैंतालीस नब्बे में कुछ जोड़ रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश में काश किस में होता है प्लस में होता है अरे माइनस में होता है तो यहाँ पे माइनस रखिए और काश का साइन भी चेंज होता है साइन पैंतालीस तो कितना हो जाएगा माइनस एक बटा के दो देखिए कि दोस्तों कितना सिंपल है यदि आपको ये जैसे अभी एक सौ पैंतीस का मान जैसे इसी पे तीन सौ साठ तीन सौ सत्तर या एक हज़ार एक सौ बीस का मान यदि साइन एक हज़ार एक सौ बीस का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे यदि ये ट्रिक आपको पता है तो इसका मान आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग